बीसीसीआई अध्यक्ष बनते ही गांगुली को आईसीसी से मिली बड़ी चुनौती, हो सकते हैं ये बदलाव। नमस्कार, बीसीसीआई के पूर्व सदस्य राजीव शुक्ला ने साफ कर दिया कि पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। इसकी आधिकारिक घोषणा 23 अक्टूबर को की जाएगी। गांगुली ने अभी पूरी तरह से कार्य संभाला भी नहीं है कि इससे पहले ही उनके सामने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा बड़ी चुनौती मिल गई है। दरअसल आईसीसी के नए प्रस्ताव में T20 विश्व कप हर साल 50 ओवरों का विश्व कप 3 साल में एक बार कराने की पेशकश है। इस कारण भारतीय कंट्रोल बोर्ड के राजस्व पर विपरीत असर पड़ सकता है। आईसीसी अब चाहता है कि अब हर साल विश्व कप हो। इसके जरिए आईसीसी 2023 और 2028 की अवधि के लिए वैश्विक मीडिया अधिकार बाजार में प्रवेश करना चाहती है, ताकि उसे स्पोर्ट्स जैसे संभावित प्रसारकों से राजस्व का मोटा हिस्सा मिल सके। सौरव गांगुली की अध्यक्षता वाले बीसीसीआई के सामने ये बड़ी चुनौती होगी। एफटीपी पर कैलेंडर है जो आईसीसी और सदस्यों देश अलग अलग 5 साल की अवधि के लिए बनाते हैं, जिसके तहत द्विपक्षीय और बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट खेले जाते हैं। 2023 के बाद की अवधि के लिए प्रस्तावित मसौदे पर हाल ही में आईसीसी मुख्य कार्यकारियों की बैठक में बात की गई। बीसीसीआई सीईओ राहुल जोहरी ने साफ तौर पर आईसीसी सीईओ मनु साहनी को ईमेल में कहा कि ये फैसला कई कारणों से सही नहीं होगा। बोर्ड के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि चुनाव होने के बाद बोर्ड अब इस मामले में सख्त कदम उठाएगा। उन्होंने कहा, मान लीजिए कि स्टार स्पोर्ट्स यहाँ सोनी का टीवी रेडियो डिजिटल प्रसारण अधिकार का 100 करोड़ रूपए का बजट है। इसमें दो अहम पक्ष आईसीसी और बीसीसीआई है। बीसीसीआई के पास आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज है। उन्होंने कहा कि हर साल T20 विश्व कप कराना रोमांचक है, और यदि आईसीसी बाजार में पहले पहुंचता है तो राजस्व का बड़ा हिस्सा उनके खाते में जाएगा। अधिकारी ने कहा कि प्रसारक यदि 2023 और 2028 के अवधि के लिए आईसीसी अधिकार खरीदने पर 60 करोड़ रुपए खर्च करता है, तो बीसीसीआई के बाजार में उतरने पर उनके पास 40 करोड़ रुपए ही बचे रहेंगे। इससे बीसीसीआई का राजस्व घट जाएगा। राहुल जोहरी ने ईमेल में कहा, बीसीसीआई 2023 के बाद आईसीसी टूर्नामेंट और प्रस्तावित अतिरिक्त आईसीसी टूर्नामेंट पर ना तो सहमति जताता है और ना ही पुष्टि करता है। उन्होंने कहा, इसके अलावा बीसीसीआई को द्विपक्षीय सीरीज के अपने करार पर भी पूरे करने हैं। वहीं इस मसले पर कार्य समूह की राय नहीं ली गई तो एक तरफा फैसला अपरिपक्व होगा, और इसके ये भी मायने है कि सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।